संचारी रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज का नाम लिया है, वाकई में हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा गरीब आदमी को परेशान करता है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। अभी मेजर बीमारी आप क्या देख रहे हैं? मैं जो वाहक है वो ही संचारित कर रहा है बीमारियों को, और उस वाहक को हमें कंट्रोल करना है। कुपोषित बच्चों में ही ये सारी बीमारियां होती हैं। जो राप्ती नदी है वहाँ पे जलस्तर बढ़ रहा है, तो बाढ़ की स्थिति है, बांध भी टूट गया है, तो लगभग 12 गांव वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आप लोग चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी इस वक्त? हमारी बाढ़ चौकियाँ सारी एक्टिव हैं और वहाँ पे 24/7 मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ है। अभी जो स्नैक बाइट का जो है सांपों के द्वारा काटना, अभी ये चीज अलर्ट पे है? जी हाँ, एंटी स्नैक वेनम, क्योंकि पानी जब भरता है तो सांप बाहर निकलते हैं और जहाँ आदमी रहते हैं वो भी उसी सुरक्षित जगह में घुसने की कोशिश करते हैं। सर जो जनता है वो है ना झाड़ फूक की तरफ हो रहे ना, वो इधर उधर चले जाते हैं। मजे की बात है कि हमारे देश में 95% सांस नॉन पॉइजनस है। जो सांप है? हाँ सांप है। 5% ऐसे हैं जो जहरीले हैं। ज़्यादातर लोग कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि सांप ने काट लिया है। सांप काटा है उसके कुछ 2-3 इंच ऊपर हल्का सा, जिसमें सिर्फ पेरिफेरल वेनस वेन मतलब ऊपर की नसों का रुकाव हो जाए, बहुत टाइट नहीं बांधना है, हल्का बांधना है और 15 मिनट के बाद उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, तब तक कि जब तक कि आप अस्पताल नहीं पहुंच जाए। अगर पॉइजनस स्नेक भी होगा तो वो व्यक्ति बच जाएगा। कि दो दांत हैं या कई दांत हैं? कई दांत अगर हैं, छोटे कई दांत हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक है। डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। यूँ समझ लीजिए आपको किसी चींटी ने काट लिया है। एससी और सीएससी पे जो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनको अनुभव नहीं होता है कि वो उसको पहचान नहीं पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते, तो ये अलग बात है कि प्रैक्टिस में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सिंपल है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस फैंग को पहचानना। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे की टीम आज सरावस्ती जिला में है और हमारे साथ इस वक्त सरावस्ती डिस्ट्रिक्ट के जिला के चीफ मेडिकल ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं, अजय प्रताप सिंह जी हैं। और अभी क्या है कि इस वक्त मानसून का, बारिश का अभी सीज़न चल रहा है, बरसात में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है, आप सब हैं, पूरे भारत की जो जनता है और ख़ास करके सरावस्ती ज़िले की जो जनता है, आपके लिए किस तरह से आपको बीमारी से बचना है, संचारी रोग की बात कर लें, कम्युनिकेबल डिजीज़ इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आज़ाद कबीर जी। ये जो आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ का नाम लिया है, वाकई में हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को परेशान करता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली बीमारी। हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक उन बीमारियों पर काम कर रहे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी न किसी वाहक के द्वारा या वेक्टर के द्वारा संचारित होती हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है हमारा, और इसमें खासकर हम डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस जैसी तमाम बीमारियां हैं जो किसी न किसी वेक्टर के द्वारा, मच्छर के द्वारा, चूहे के द्वारा या गाय के मूत्र के द्वारा कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उस पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि अभी पूरे ज़िले में डीएम मैम ने भी, आप सब मिलकर के पूरी जो जिला की प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीम है, लगभग 1 महीने के लिए आप लोग 31 जुलाई तक आप पूरा अभियान चलाएंगे, जनता को आप लोग उनको जागरूक करेंगे कि बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो थोड़ा सर दर्शक जो हैं उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के जो हमारे दर्शक है, जनता है, आपसे जानना चाहेंगे कि संचारी रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, इसकी थोड़ी परिभाषा बताते हुए आसान शब्दों में बताएं सर। जैसा कि मैंने बताया कि संचारी रोग में जो वाहक है वो ही संचारित कर रहा है बीमारियों को, और उस वाहक को हमें कंट्रोल करना है वो आसान तरीका है।
इलाज कराना बहुत मुश्किल है। एक बार डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट खोजने से गिर जाता है आदमी, प्लेटलेट खोजने पड़ता है। मलेरिया हो जाए तो डेथ आज की तारीख में भी हो रही है। तो हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और 17 जुलाई से दस्तक के माध्यम से, अभी तो चूँकि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सकता है, ये सारे विभाग मिलके, इसमें 9 से 10 विभाग हैं, कृषि विभाग भी हमारे साथ है, नगर विकास विभाग हमारे साथ है, ICDS है, सब मिलके सामूहिक रूप से समाज के बीच में जा रहे हैं और सब अपना अपना हिस्सा, सफाई का हिस्सा नगर पालिका देखेगी या ग्राम पंचायत विकास देखेगा, कुपोषित बच्चों को ICDS देखेगी, क्योंकि ज़्यादातर कुपोषित बच्चों में ही ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब एक समन्वय, एक साथ हम लोग करके टीम एफर्ट से पूरे जनपद में प्रयास हो रहा है, जिलाधिकारी महोदया के देखरेख में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो आशा बहुएँ हैं वो लाइन लिस्टिंग कर रही हैं कि किसको 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है। हम TB की बात भी इसमें कर रहे हैं, हम कुष्ठ रोग को भी चिन्हित कर रहे हैं, कुछ कालाजार के मरीज़ हमारे क्षेत्रों में मिले हैं, हम उसको भी लिस्टिंग कर रहे हैं। मतलब सिर्फ मलेरिया या डेंगू की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब आशा घर घर समझाने जाएगी तो वो इसके बारे में भी पूछेगी, वो ये भी देखेगी क्या उसके घर में मच्छर के पनपने की कोई परिस्थिति है तो उसको बंद कराएगी। गांव में गड्ढे ऐसे हैं जो बंद हो सकते हैं तो प्रधान से आग्रह करके हम बंद कराएंगे, और जहां गड्ढे बंद कराना संभव नहीं है, हमारे पास टेमीफॉस दवा पर्याप्त मात्रा में है जो लार्विसाइड होती है। मच्छर अपनी कई स्टेजेस से गुजरता है, अंडे से लार्वा, लार्वा से मच्छर, तो मच्छर को मारना असंभव है। मच्छर को मार के मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम फेल हो चुका है, लेकिन लार्वा स्टेज में जबकि वो इकट्ठे एक जगह पानी में मिलते हैं वहाँ पर लार्विसाइड डाल के हम मच्छर को बनने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित हम उसको कर सकते हैं। अब ये है हमारी स्ट्रेटजी कि जहाँ भी मच्छर अंडे दे रहा है, अंडे की जो खाल होती है, कवर होता है, उस पर कोई दवा काम नहीं करती, अंडे पर हम प्रहार नहीं कर सकते। मच्छर इतने उड़ते हैं कि उनको DDT या किसी अदान्य दवा से मारा नहीं जा सकता, मच्छरदानी लगाना ही एकमात्र बचाव है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। अगर मारना है, वेक्टर को ख़त्म करना है, तो लार्वा की स्टेज पे, जबकि वो कमज़ोर होता है और इकट्ठा और थोड़ी जगह पे, 2 चम्मच पानी जहाँ है वहाँ पे भी डेंगू के मच्छर अंडे दे देते हैं, गंदा पानी है वहाँ मलेरिया के मच्छर अंडे दे देते हैं। तो मेरा लोगों से सिर्फ ये अपील है कि बरसात के बाद आपके घरों में जो टूटे फूटे बर्तन हैं, ग्लास हैं, टायर हैं, गमले हैं, कूलर हैं, इसमें डेंगू के मच्छर अंडे देंगे। अगर आप पानी रखोगे तो स्वच्छ पानी में अंडे देता है, इवन फ्रिज के नीचे जो ट्रे होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है उसमें भी अंडे हम लोग को मिले हैं। पूरा खोज डाला हम लोगों ने कहाँ है, लेकिन जब फील्ड में हमारा सर्वे हुआ तो पता लगा अंडे उस ट्रे के नीचे वाले पानी में, जहाँ किसी की निगाह नहीं जाती है। अच्छा, मतलब इस तरह का ये पहली बार हमने सुना है कि ट्रे में भी है ना अंडे पनप जाए। हाँ, डेंगू के जो अंडे हैं 2 चम्मच पानी पर्याप्त है उसको सरवाइव करने के लिए। जी, तो सर ये आपने अहम मुद्दों पे जानकारी दी, आपने सुना, आपने बहुत अहम बातें सुनी। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब अजय प्रताप जी को आप सुन रहे थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं श्रावस्ती के, कि कॉम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उसमें आपके चेचक हो गए, आपके डेंगू हो गए, मलेरिया हो गए, भाई बहुत सारी बीमारी है। और वाहक सर ने बताया, सर जैसा कि आपने बताया कि वाहक जो है, वाहक को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये बहुत आगे की बीमारी से बचा जा सकता है। सर अगला सवाल आपसे ये होगा कि यहाँ पर हम जिले स्तर पे हम बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, यहाँ पर अभी इस वक्त अभी मानसून तो पूरे इंडिया में आ गया है, बारिश का टाइम चल रहा है, अभी मेजर बीमारी आप क्या देख रहे हैं इस समय पे, अभी किस तरह से जनता अपने आप को बच सकती है? मैंने सारे ब्लॉक का दौरा कर लिया है, सारी CSC मैंने, CSC और PSC वगैरह, हमारी 3 ब्लॉक तो ऐसे हैं जो पूरे पानी में डूब, CSC पूरी पानी में डूब जाती है, कमर तक पानी आ जाता है, इतना पानी आ जाता है हमें अपने अस्पताल को अन्यत्र शिफ्ट करना पड़ता है। और ये समस्या प्राकृतिक है, इसमें प्रशासन, शासन, सरकार ही इस पानी को रोक सकती है, लेकिन उस पानी से होने वाले दुष्प्रभाव ना हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग है और अन्य विभागों के साथ मिलकर, जैसे डायरिया, दस्त के साथ साथ उल्टी,
या मौसमी बुखार या फंगल इन्फेक्शन, पानी लगा रखा पैर में तो पैर सड़ जाता है, इसके लिए हम लोगों ने बाढ़ चौकियाँ बना रखी हैं और जो भी उस इलाके में बाढ़ पीड़ित होगा उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये एक तो अभी क्या है कि आपके ज़िले में अभी देख रहे हैं जो राप्ती नदी है वहाँ पे जलस्तर बढ़ रहा है, तो बाढ़ की स्थिति है, बांध भी टूट गया है, तो लगभग 12 गांव वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आप लोग चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी इस वक्त। हमारी बाढ़ चौकियाँ सारी एक्टिव हैं और वहाँ पे 24/7 मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ है। अच्छा, मेडिकल टीम वहाँ पर 24/7 वहाँ पर मेडिकल है। इवन हम लोगों ने वहाँ एंटी स्नेक वेनम तक रखे हुए हैं ताकि उसको देर ना हो। एएसबी, क्योंकि अभी जो स्नेक बाइट का जो है सांपों के द्वारा काटना, अभी ये चीज़ अलर्ट पे है जी। हाँ, एंटी स्नेक वेनम, क्योंकि पानी जब भरता है तो सांप बाहर निकलते हैं और जहाँ आदमी रहते हैं वो भी उसी सुरक्षित जगह में घुसने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग तैयार हैं। और कम से कम चिकित्सा की दृष्टि से हमारा जो रोल है उसे हमारी टीम पूरा करेगी। देखिए, एक दर्शकों को हम बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को और ख़ास करके भारत की जनता, वो जहाँ पर बरसात और जंगल है और खेत खलिहान है, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात बताई कि क्योंकि बारिश में क्या होता है कि आप खेत हो या जंगल हो तो वहाँ पे ना सांप जो है वो बिल में से निकल करके आ जाते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, एंटी स्नेक विनम एएसवी, अगर आपको कहीं पे भी, आप किसी भी ज़िले में, कहीं भी उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, अगर आपको सांप ने काट लिया है तो आप तुरंत बिना लेट किए हुए किसी के कहे हुए अपने CHC पे जाएं और एएसवी का यूज़, क्योंकि हम देखते हैं कि सर जो जनता है वो है ना झाड़ फूंक की तरफ हो रहे ना इधर उधर चले जाते हैं। और मजे की बात कि हमारे देश में 95% सांस नॉन पॉइजनस है, जो सांप है, हाँ सांप है, 5% ऐसे हैं जो जहरीले हैं। ज्यादातर लोग कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि सांप ने काट लिया है, माइंड में हाँ, दिल के दौरे से अटैक आता है। एकदम पेशेंस रखें, जहां सांप काटा है उसके कुछ 2-3 इंच ऊपर हल्का सा, जिसमें सिर्फ पेरिफेरल वेनस वेन मतलब ऊपर की नसों का रुकाव हो जाए, बहुत टाइट नहीं बांधना है, हल्का बांधना है और 15 मिनट के बाद उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, तब तक कि जब तक कि आप अस्पताल नहीं पहुंच जाए। अगर पॉइजनस स्नेक भी होगा तो वो व्यक्ति बच जाएगा अगर उसे एंटी स्नेक वेनम मिल गया है। और बिना समय को बर्बाद किए हुए, सेकंड को बर्बाद किए हुए टूर्निकेट बांधना, और ये हमारे वर्कर्स को हम लोगों ने बताया है और इसका ट्रेनिंग भी देते हैं आप। हाँ, हम लोग सर आप जो बता रहे हैं कि जहाँ पे स्नेक बाइट किया है तो वहाँ पे अभी आप एक प्रोसेस मेडिकल का बता रहे थे कि उसको बांधने का, जहाँ पे सपोज करी कि अगर पैर में काट लिया तो वो बांधने का प्रक्रिया, वो दोबारा हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ सांप ने काटा, पहले तो ये देख लें कि दो दांत हैं या कई दांत हैं। कई दांत अगर हैं, छोटे कई दांत हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक है, डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, यूँ समझ लीजिए आपको किसी चींटी ने काट लिया है। लेकिन अगर सिर्फ दो और गहरे निशान हैं, जिसे फैंग कहते हैं हम, सिर्फ दो हैं अगर, तो वो पॉइजनस स्नेक है। ऐसे में जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उस निशान से 2 इंच ऊपर गमछे से, चुन्नी से, रस्सी से इतना बांधना है कि ऊपर का पेरिफेरल वेन जो है, इतना नहीं कि वो मर ही जाए मसल्स, बहुत धीमा बांधना होता है, सिर्फ पेरिफेरल वेन रोकना, वेन के जरिए ही वो ऊपर जा सकता है। आर्टरी, हाँ आर्टरी बहुत नीचे होती है, वहाँ तक उसका जहर नहीं पहुँचता है, पेरिफेरल वेन रुक जाए और हर 15 मिनट के बाद टूर्निकेट ढीला करना है और 2 इंच ऊपर की तरफ सरका देना है, ताकि उसको सरका के बांध दिया, ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मसल्स मर न जाए, मसल्स ना मर जाए, तो उसको 15-15 मिनट पे हम करते रहेंगे। 15-15 मिनट पे हमें उसको 2 इंच ऊपर उठाना है, वहीं पे रखना है? नहीं, ऊपर उठा के फिर बांध देना है। अच्छा, फिर मतलब उसी जगह पे नहीं बांधना, उसके 2-3 इंच ऊपर, फिर 15 मिनट के बाद टूर्निकेट को ऊपर करना है, ठीक है, ताकि अगर जो फ्लो हो रहा हो उसको ऊपर जाके हम बांध दें, उसको ब्लॉक कर दें। और CHC पे, किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, यहाँ पे श्रावस्ती में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक मरीज में 8 से 10 एंटी स्नेक वेनम भी लग सकता है, तो घबराएं नहीं और टूर्निकेट या जो बांधने की प्रक्रिया है उसको फॉलो करें और अस्पताल की तरफ, झाड़ फूंक की तरफ जाना मौत को दावत है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर। एक ये तो बहुत आपने अहम जानकारी दर्शकों को दे दी। एक हमने सर देखा था एक केस उन्नाव की, हम आपको बता रहे हैं हमारे पे उस पर कवरेज है बाकायदा। एक जो हमारे पीएससी और सीएससी पे जो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनको अनुभव नहीं होता है कि वो उसको पहचान नहीं पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते। तो इससे इस कारण से एक बांगर मऊ में, उन्नाव की बात बता रहे, वहाँ पर एक नौजवान लड़के की, युवा की ना डेथ हो गई थी ना पहचानने के से। वो पहचान लेते और टाइम्स उसको एंटीसेनिक विनम लगा देते। तो उसके लिए थोड़ा डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग यहाँ से लेके मेडिकल कॉलेज तक हम लोग भेजते हैं, और ये MBBS के पार्ट का हिस्सा भी है। जो मैं बात बता रहा हूँ MBBS लेवल की है, ये अलग बात है कि प्रैक्टिस में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सिंपल है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस फैंग को पहचानना। लेकिन चूंकि पब्लिक इतनी पैनिक रहती है और हमारी CSC पे कोई सुरक्षा नहीं रहती है, इसीलिए डॉक्टर अपने पिटने के डर से मरीज को जल्दी से जल्दी भेजता है, रेफर कर देता है। अगर पब्लिक विश्वास करे और हमारी सुरक्षा की सरकार गारंटी ले, तो कोई कारण नहीं है कि इस तरीके की जो रिमोट क्षेत्रों में मौतें हो रही हैं, एरिया में जो जान है बचाई जा सकती जा सकती है। ठीक है, आपने बातें सुनी, बहुत अहम बातें, ये जीवन को बचाने वाली डॉक्टर साहब आपको बात बता रहे थे। अंत में एक सवाल अहम और लिया जाएगा सर, क्योंकि हमारी बात हो रही थी संचारी रोग और कम्युनिकेबल डिजीज पे बात हो रही थी। पूरे जिले में सरावस्ती में आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, अभियान चल रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। आप लोग अंत में सर, इसमें ASV स्नैक बाइट की भी बात है क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, अंत में आप पूरे सरावस्ती जिले की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को अभी इस समय बीमारी से कैसे बचे, चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूँ, कचरा कचरे दानी में सोए मच्छरदानी में, यही मंत्र है इस संचारी रोग में हर बीमारी से बचने का। कचरे का सही निस्तारण हो और मच्छरदानी का प्रयोग हो, तो कोई कारण नहीं है कि इन बीमारियों से होने वाली मौतों को हम बचा ले सकें। दवा अस्पताल का कहीं रोल नहीं है इसमें। आप स्वयं जागरूक हो, कचरे को इधर उधर न फेंकें, कचरे दानी में ही फेंकें, और सिंपल मच्छरदानी आपको इन सारी बीमारियों से बचाएगी। अंतिम बात, कचरा कचरे दानी में सोए मच्छरदानी में। आप अपने सरावस्ती जिला के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी को आप सुन रहे थे। बहुत ही अहम बात इन्होंने बोली, कचरा कचरे दानी में सोए मच्छरदानी में, तो सभी बीमारियों से बच जाएंगे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपना बचाओ, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। दुनिया आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन सेहत के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा जो आपके लिए काम कर रहे हैं। कई जगह हम लोग जाते हैं और हम ही से लोग कन्नी काटते हैं कि आ गए पोलियो वाले, आ गए ये वाले सुई लगाने वाले आ गए। तो मैं आम लोगों से यही कहूँगा कि हम आपके लिए हैं, आप हम पे विश्वास करें। और विकसित राष्ट्र में स्वास्थ्य भारत का बहुत बड़ा रोल हो, विकसित हो रहे हैं। आपको भी अपनी मानसिक सोच को विकसित करना होगा कि हम और स्वास्थ्य विभाग आपके लिए हैं। बहुत बड़ी बात, अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप जिस भी ज़िले में आप रहते हैं, तो आप अपने जिला अधिकारी DM को आप अच्छे से जानते हैं, आप अपने SP को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानते हैं। इस तरह से आपके स्वास्थ्य विभाग, आपकी सेहत की देखरेख की जिम्मेदारी आपके ज़िले में चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऊपर होती है। आप अपने ज़िला के चीफ मेडिकल ऑफिसर को आप सुन रहे थे, आपकी सेहत के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई। अभी मानसून का टाइम है और आपको किस तरह से बचना है सर ने आपको बताया। और आप देख रहे थे A News Today। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश और भारत की हर खबर पे हमारी नज़र है। आप खबरों को देखने के लिए A News Today को आप देखते रहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू धन्यवाद।